ब्लाउज बनाने के लिए हमारा आज का मेजरमेंट है ये, इसके कमर है 29, देख सकते हैं मेजरमेंट। अभी हम जो है ना इस तरीके से कपड़े को रख कर फोल्ड कर लेंगे और हमारी जो चेस्ट के साइज का 1/4 + 2 इंच और जो लॉन्ग है वो 14 इंच, तो 14 इंच पे है ना सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी शोल्डर लेंगे 5.5 का और जो आर्म होल है ना वो भी हम लेंगे 5.5 इंच पर ही। ऐसे इसका चौकोनी डब्बा बना लेंगे हम। उधर साइड से भी हमें 5.5 इंच पे मार्क करके ऐसे डब्बा बना लेंगे। 2 इंच पे इधर से मार्क कर कर पीछे के गले का है जितना भी गला है हमारा उसी पे हमको मार्क कर देना है और इसका भी हमें एक डब्बा बना लेना है। तो मैं ये जो प्रोसेस बता रही हूँ ना ये बहुत ही इजी प्रोसेस है कटिंग की। देखिए अभी टक्स हम दे देते हैं इधर से 4 इंच पर और इधर से 3.5 से 4 इंच पर। ये पीछे के टक्स है, देख सकते हैं आप लोग। अभी आगे का गला जो है वो मेरा 5.5 इंच पे है, तो देखिए जो गला है ना पीछे का वहाँ से हल्का सा तिरछा लिया है। अभी ये आर्म होल से क्रॉस पट्टी के ऊपर में हमने 6 इंच लिया है और वहाँ से आड़े में 4.5 इंच लिया है। ये सभी का अलग अलग होता है मेजरमेंट और यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है और इस शेप में लाते हुए गले में मिला देना है। भी आगे के आर्म होल से 1 इंच पे और पीछे के आर्म होल से 1.5 इंच पे हमें मार्क लगाना है और शोल्डर हमें 3 का रखना है। बचे हुए पोर्शन में भी हमें मार्क लगा लेंगे और इसके ऐसे राउंड बना लेंगे, आधा चांद टाइप जो होता है ना वैसे बना लेंगे। देख सकते हैं हमारे पीछे का पोर्शन आगे का पोर्शन बराबर है, ये बैक पोर्शन है और ये फ्रंट पोर्शन है। अभी हमें इसको है ना कट कर लेना है। कट करने का तरीका भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से हमें प्लेन लेके जाना है, आर्म होल दोनों को ही कट कर लेना है हमें। अभी जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना उसको भी हम कट कर लेंगे। ये पीछे का पोर्शन हो गया, अब ये आगे का पोर्शन। ये हमारा सिर्फ कटिंग का पोर्शन है, स्टिचिंग का पोर्शन आगे आने वाला है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम हाथ का ले लेंगे, तो जो बचा हुआ इधर साइड का कपड़ा है ना उसको हमें फोल्ड करना है इस तरीके से। यहाँ पे वीडियो थोड़ा स्लो किया है ताकि आप लोग समझ पाए, और एक फोल्ड कर देना है। और जो जॉइंट वाली साइड होती है ना उसे हमें अपने तरफ रखना है और खुले वाली साइड आगे की तरफ रखना है। जितना भी लॉन्ग अपने को हाथ चाहिए उसके ऊपर में हमें लाइन खींच लेनी है, सीधी एक लाइन खींचना है, जितना भी हमें लॉन्ग हाथ चाहिए उतना। ठीक है, अभी यहाँ से 2 इंच और ऊपर की तरफ से 3 इंच ऐसा निशान लगाने के बाद हम ड्रॉ कर लेंगे हाथ का शेप। इसे भी हम कट कर लेते हैं और इसके बाद आधे इंच पे भी हमें इसको मार्क करके ऐसे ही लाइन बना देनी है। हाथ को खोलना है जी, हाथ को हमें खोलना है और उसके बाद में हमें इसे कट कर लेना है। इससे जो आगे का पोर्शन है ना वो बनता है हाथ का। अभी बीच में से काट लेंगे, हमारे दोनों हाथ रेडी है। और जो बीच बीच वाला पोर्शन होता है ना उसको मिला के हमें जो बचा हुआ फैब्रिक है ना उसका बीच बीच वाला पोर्शन मिला के इसके ऊपर तिरछे में हमें कटोरी रख देनी है। ये कटोरी मैंने ऑलरेडी बना कर रखी हूँ, जो हमारा पुराने कटोरी का शेप था उसके अनुसार। ये 7.5 इंच की कटोरी है, देख सकते हैं। और कपड़े को कटोरी का हमें हमेशा तिरछा ही रखना है ताकि वो स्ट्रेचेबल हो सके। इसी शेप से हमें इसे कट कर लेना है। अभी हम यहाँ से क्रॉस पट्टी निकाल लेते हैं। क्रॉस पट्टी हमें 10 इंच लंबी चाहिए और 3.5 इंच एक साइड से और एक साइड से 3 इंच हमें ऐसे मार्क कर लेना है, इस तरीके से शेप दे देंगे। अभी जो हमारा पाइपिंग पट्टी होती है उसे भी हम तिरछे में काट लेते हैं। हमारे गले में बस थोड़ी सी पाइपिंग पट्टी बस थोड़ी सी लगनी है, देख सकते हैं। 2 कटोरी, 2 क्रॉस पट्टी, 2 हाथ और जो हुक के लिए पोर्शन, आगे का पोर्शन, पीछे का पोर्शन, इतना हमें मिल गया है। जो मेन फैब्रिक है ना इसमें इस तरीके की लेस थी, तो ये लेस आपको देख लेना है। अगर आड़े में है तो ऐसे कट कर लेंगे हम। अभी देखिए जैसे हमने वो वाला पोर्शन रखा था ना 10 इंच पे, इससे 10.5 इंच पे रखना है बैक वाले पोर्शन को, देख सकते हो। और आधा आधा इंच बढ़ाते हुए कट कर लेंगे। देखिए बैक पोर्शन हो गया। अभी जो फ्रंट वाला पोर्शन है ना उसको भी हमें आधा इंच बढ़ाते हुए कट कर लेना है। चारों तरफ से हमें आधा इंच बढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखना है हमें। अभी देख सकते हैं कटोरी में जो ये मेन फैब्रिक है ना इसको भी हमें कटोरी को है ना तिरछा ही रखना है। इसमें तिरछी कटोरी रखने से काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है और कटोरी रखने का पैटर्न यही होता है। इसको भी हम आधा इंच बढ़ाते हुए कट कर लेते हैं, देख सकते हैं। क्रॉस पट्टी हमें मेन फैब्रिक में से 2 ही चाहिए और अस्तर में से हमने 4 निकाली थी क्रॉस पट्टी। और हमें हाथ निकाल लेने हैं, देख सकते हैं। इसको भी हमें आधा इंच बढ़ाते हुए ही कट कर लेना है। 2 हाथ हमारे निकल चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। हमारे 2 क्रॉस पट्टी मेन फैब्रिक के और 4 क्रॉस पट्टी सादे वाले इसके। हमारा फ्रंट पोर्शन मिल चुकी है, ये बैक पोर्शन है।
और हमें यहाँ से मिले हैं 2 कटोरी मेन फैब्रिक और 2 अस्तर के, और पाइपिंग पट्टी हमें मिल गई है। तो देख सकते हैं कटोरी को हमें बराबर इस तरीके से रख लेना है ताकि दोनों कटोरी इक्वली आ जाए, देख सकते हैं। और इसे हमें स्टिच करना है, बड़े बड़े टाके लगाते हुए जाना है। ये काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कच्चा वर्क है बट हमें इसे करना ही करना है, देख सकते हैं। यही सेम प्रोसीजर हमारे जो फ्रंट वाला पोर्शन है ना उसके साथ में करेंगे। बस ध्यान रखने वाली एक बात है कि आप लोगों को देख लेना है एक साइड का कौन सा है, एक साइड का कौन सा है। इस तरीके से हमें इसे भी स्टिच लगा लेंगे। अभी हमारा जो बैक वाला पोर्शन है ना, देख लेते हैं हमको गला कितना बड़ा बनाना है। और इस तरीके का चौकोनी डब्बा बना के पहले, सबसे पहले जो है ना, मैं लोटा गला का जो शेप होता है ना वो दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे वीडियो थोड़ा धीमा किया है, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं है ना कमल के जो पेटल्स होते हैं ना, जो कलिया, उस तरीके का मैं इसके ऊपर मैं डिज़ाइन दे रही हूँ, क्योंकि हमारा जो ब्लाउज है आज वो कमल का फूल जो होता है ना लोटे गले में, वो वाले डिज़ाइन मैं बना रही हूँ। तो देख सकते हैं अभी ये काफ़ी छोटा लग रहा था तो मैंने लोटा जो होता है ना उसको थोड़ा बड़ा कर दिया। देखिए आप लोग, अभी इसको हमको है ना कट कर लेना है। देखिए जो है ना कोने कोने जो है ना इसके, इसको हमें केयरफुली कट कर लेना है। और इसका स्टिचिंग वाला पार्ट जल्दी आने वाला है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।